इन दिस क्वेश्चन दी ए एंड बी आर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेरिएबल. ऐसा नहीं कि केवल एक ही आप म्यूटेक्स वेरिएबल ले सकते हैं या एक ही सेमाफोर ले सकते हैं. जहां पे भी आप म्यूटेक्स का यूज करें ना, तो मान लीजिए कि म्यूटेक्स का मतलब है सेमाफोर. वेरेवर द टर्म म्यूटेक्स इज यूज, म्यूटेक्स मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेरिएबल. तो जहां पे भी आप म्यूटेक्स का यूज करें उसका मान लीजिए कि उसका मतलब सेमाफोर वेरिएबल. सो देयर आर टू म्यूटेक्स वेरिएबल ए एंड बी. वैल्यू ऑफ ए इज वन एंड वैल्यू ऑफ बी इज जीरो इनिशियली. ओके नाउ अब मान लीजिए कि क्या होता है कि पी जीरो प्रोसेस चलता है, पी जीरो प्रोसेस चलता है. तो पी जीरो प्रोसेस चलने के कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्टिविटी हो रही है, देख चेक कीजिए इसके कोड में. वाइल ट्रू पी ए प्रिंट वन एंड वी बी. पी ए का क्या मतलब है, पी मतलब डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, सही है. पी का मतलब डिक्रीमेंट. ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, तो ए की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गया बताइए, वन से जीरो. ठीक है, वन से जीरो हुआ ना ए की वैल्यू. अच्छा अब इसके बाद प्रिंट वन कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम वन को प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, वन को मान लीजिए कि हमने प्रिंट कर दिया. फिर इसके बाद वी बी हो रहा है, वी का क्या मतलब है, सिग्नल वी ऑपरेशन. सिग्नल कीजिए क्या करेंगे, सिग्नल वी की वैल्यू जीरो से वन. ठीक है, अब मान लीजिए कि इस प्रोसेस का परमिशन हो गया, अब हम पी वन चला रहे हैं. ठीक है, प्रोसेस पी वन चला रहे हैं. जब प्रोसेस पी वन चला रहे हैं तो पी वन क्या कर रहा है, पी वन कह रहा है कि पी बी एंड वी ए. पी बी का मतलब क्या है, बी की वैल्यू वन से जीरो. फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे वन की जगह जीरो लिख देगा, ये जो प्रिंटिंग हो रही है प्रिंटिंग जीरो की, तो जीरो की प्रिंटिंग हो गई. ठीक है, वन के बाद जीरो की प्रिंटिंग हो गई. फिर इसके बाद ए जो कि वी ए ऑपरेशन है, वी का मतलब कि सिग्नल ऑपरेशन. सिग्नल में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जीरो से वन. ठीक है, पी वन चल गया, P1 के एक एग्जीक्यूशन के बाद मान लीजिए कि इसका फ्रेम चेक हो जाता है. फिर हम क्या करते हैं, अच्छा इनिशियल आप जरा बताइए कि वैल्यूज क्या है बी की और ए की. बी की वैल्यू है जीरो और ए की वैल्यू है वन. ठीक है, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पहुंच गया. देखिए ए की वैल्यू वन थी और बी की वैल्यू जीरो. फिर से क्या करो कि पी जीरो चला, प्रोसेस नंबर पी जीरो चलाओ. ए की वन वैल्यू और बी की जीरो वैल्यू के लिए फिर वही होगा जो हुआ था पहले, मतलब कि पी जीरो प्रोसेस पी ए चलाएगा. पी ए का मतलब ए की वैल्यू वन से जीरो, फिर वन की प्रिंटिंग होगी, फिर बी की वैल्यू अपडेट होगी क्योंकि वी भी यहां पे परफॉर्म हो रहा है. तो बी की वैल्यू जीरो से वन. ठीक है, फिर पी वन चला दो, हुआ क्या है कि वन की प्रिंटिंग हुई. ध्यान रखना कि प्रिंटिंग किसकी हुई, अभी तक 101 की. फिर पी वन चला दो, पी वन चलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पी बी, पीबी मतलब कि बी की वैल्यू को वन से जीरो कर दो, फिर जीरो की प्रिंटिंग कर दो, प्रिंट जीरो है. फिर उसके बाद वी ए चलाना है, वी ए का मतलब सिग्नल ऑपरेशन, ए की वैल्यू जीरो से वन. ठीक है, फिर इसका प्रिमिशन, प्रिमिशन करने के बाद अगेन पी जीरो चलाओ. ध्यान से देखो कि इस समय ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है वन और बी की वैल्यू है जीरो. फिर से आप इनिशियल वैल्यू पे पहुंच गए, जो आपने इनिशियल वैल्यू ए और बी की ली थी आप उसी स्टेज पे पहुंचते. तो अगर आप ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है कि पहले वन प्रिंट हो रहा है, देन जीरो, देन वन प्रिंट हो रहा है, देन जीरो, देन अगेन वन प्रिंट होगा, देन अगेन जीरो प्रिंट होगा, अगेन वन प्रिंट होगा एंड देन अगेन जीरो, अगेन वन प्रिंट होगा एंड अगेन जीरो. ठीक है, तो अगर हम पी जीरो पी वन को एक बार उनके एग्जीक्यूशन के बाद प्रीमिशन करते रहेंगे तो उस केस में इस तरह की वैल्यू प्रिंट होती रहे, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ऑल्टरनेटिवली 1010 आता है. ठीक है, so now let's see this question. What is happening in this question? There are two mutual exclusion variable A and B, both are initialized to one. पूछा जा रहा है कि क्या mutual exclusion guaranteed है यहाँ पे? ठीक है, check कीजिए क्या mutual exclusion guaranteed है. इस तरह के questions को हम कैसे solve करते हैं? मान लीजिए कि हमने P0 process को चलाया. पी जीरो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री, देखिए स्टेटमेंट नंबर अगर मैं इसको मार्क करूं 1 2 3 4 एंड 5, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है पी ए, 2 है पी बी, 3 है क्रिटिकल सेक्शन, 4 है वी ए, 5 है वी बी. ठीक है, एंड देन अगर मैं पी वन प्रोसेस के स्टेटमेंट को मेंशन करूं 6 7
8, 9 and 10. Now, अब मैं एक काम करता हूँ कि P0 प्रोसेस के स्टेटमेंट को चलाता हूँ. P0 ये कह रहा है कि पहले PA चलेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या A की वैल्यू पॉजिटिव है क्या. A की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 से वो 0 कर देगा. A की वैल्यू को 1 से 0 करेगा सबसे पहले P0 प्रोसेस स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग. फिर स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये B की वैल्यू को 1 से 0 कर देगा. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग बी से 0 कर, बी को 1 से 0 कर दिया. ठीक है, दोनों वेरिएबल्स मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा. फिर से सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथडोलॉजी. पी ऑपरेशन दो बार चलाने का, पी ऑपरेशन दो बार चलाने का मतलब ये है कि दो कंडीशंस आप चेक कर रहे हैं. ए की ए और बी अगर दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तभी आप क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करोगे. ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं करोगे. तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है. पी ए पी बी ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ए की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया और बी की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया. ओके, तो चूंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी और दोनों वैल्यूज को आपने पी ऑपरेशन के थ्रू 1 से 0 कर दिया, ये तो केवल इंश्योर करता है कि आगे वाले जो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन आना चाहते हैं वो ए बी की जो वैल्यू है वो 0 देखें. इसलिए केवल क्योंकि ए बी की दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, इसका मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हो जाएगी. क्रिटिकल सेक्शन जब एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3, तो वी ऑपरेशन कैरी आउट किया जाएगा. वी ऑपरेशन का क्या मीनिंग है, कि सेमाफोर की वैल्यू को 0 से 1 कर दो, फिर सेमाफोर की वैल्यू को 0 से 1 कर दो, क्योंकि ए की वैल्यू भी 0 थी उसको 1 कर दो और बी की वैल्यू भी 0 से 1 कर दो. तो मान लीजिए कि पी जीरो का एक बार एग्जीक्यूशन हुआ और उसके बाद फिर पी जीरो को हमने प्रिम्प्ट कर दिया. P0 को जब हम प्रिम्प्ट कर रहे हैं एक बार एग्जीक्यूशन के बाद, तो इस समय A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू भी है 1. नाउ अब हम P1 प्रोसेस को चलाते हैं. तो P1 प्रोसेस को जब हमने चलाया तो उसमें स्टेटमेंट नंबर 6 चला. स्टेटमेंट नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि A की वैल्यू 1 है, P ऑपरेशन आपने चलाया, P ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसने A की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया. स्टेटमेंट नंबर 7 आपने चलाया, B की वैल्यू 1 से, फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री होती है. ठीक है, फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हो गई क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी ए बी की. अब वी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ए की वैल्यू को 0 से 1 और बी की वैल्यू को भी 0 से 1. ठीक है, ए की वैल्यू भी 0 से 1, बी की वैल्यू भी 0 से 1. अब मान लीजिए कि आप पी1 को ब्लॉक कर देते हैं, फिर अगर आप P0 चलाएंगे, देखिए A की वैल्यू 1 हो चुकी है, B की वैल्यू 1 हो चुकी है. इनिशियल वैल्यू अगर 1 है तो दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है, P0 या P1 दोनों में से किसी को, तो उस केस में हमें क्या करना है कि एक प्रोसेस दोनों A और B की दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए. दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर 1 नहीं होगी तो हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर पाएंगे. ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है. अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें अलग तरह के प्रीमिशन से तो भी समझ सकते हैं. मान लीजिए कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, फिर इसके बाद फिर 3, 4, 5, पी वन के लिए 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये स्टेटमेंट. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. मान लीजिए कि P0 प्रोसेस ने केवल एक स्टेटमेंट चलाया. कौन सा स्टेटमेंट चलाया? स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट नंबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसने A की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया. ठीक है, अब इसका प्रीमिशन हो गया 1 के बाद. अब हमने P1 चलाया. ठीक है, P1 चलाया तो क्या हुआ? P1 ने PA और PA ऑपरेशन चलाया. तो PA ऑपरेशन चलाने का मतलब क्या है कि ये इस प्रोसेस में ये देखेगा कि जीरो नंबर जो प्रोसेस है, सॉरी ए की जो वैल्यू 0 है उसको ये 0 से माइनस 1 करे. ठीक है, पी ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 से माइनस 1 करेगा. क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव नहीं थी इसलिए पी वन प्रोसेस चला जाएगा क्यू में.
आपको पता है इस बारे में कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है, 3 से 2 कर दो, 2 से 1 कर दो, अब तक सब सही है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री होती रही। लेकिन जैसे इसकी 1 से वैल्यू 0 होगी, सॉरी 0 से वैल्यू जब -1 होगी, नेगेटिव आएगी, तो हम इसको क्यू में भेजते हैं। तो पी ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई प्रोसेस इसी वेरिएबल या सेमाफोर की वैल्यू को 0 से नेगेटिव करता है या नेगेटिव से और नेगेटिव कर देता है और माइनस कर देता है, डिक्रीमेंट कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम भेज देते हैं कहाँ पे, क्यू में भेज देते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमने प्रीमिशन किया पी जीरो प्रोसेस को स्टेटमेंट नंबर 1 के बाद, ठीक है। फिर अगर P1 प्रोसेस किसी स्टेटमेंट को रन करेगा तो वो क्या करेगा, वो जाएगा क्यू में। तो अभी क्यू से वो कब निकलेगा, क्यू से तब निकलेगा जब ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब तब होगी जबकि P0 प्रोसेस स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 के बाद 4 ऑपरेशन चलाएगा तब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब P0 प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा, तब V की वैल्यू को 0 से वो 1 करेगा, पर V के V ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग A की वैल्यू 0 से 1 करेगा और B की वैल्यू 0 से 1 करेगा, तभी जो है P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकता है, एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर सकता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आपको अपने सेमाफोर या काउंटिंग सेमाफोर के ऑपरेशन को याद रखना है कि अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 से और कम होती है तो उस केस में हमें वेटिंग क्यू में भेज देना है किसी प्रोसेस। वेटिंग क्यू में भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तभी निकलेगा जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़े, ओके। तो इस केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, नाउ सी दिस इज क्वेश्चन, व्हाट व्हाट इज हैपनिंग। पिछला वाला ही, पिछले अब जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था वैसा ही है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1। हम जरा स्टेटमेंट नंबर को मार्क करें, P0 में 1, 2, 3, 4, 5, ओके। P1 प्रोसेस में क्या है, 6, 7, 8, 9 और 10। मान लेते हैं कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है, पहले 1 से लेके 5 तक P0 का। तो P0 का अगर 1 से लेके 5 तक होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेटमेंट हमने चलाया। तो 1 स्टेटमेंट में क्या हुआ, 1 से 0 हो गया P ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग, PV के कोरस्पॉन्डिंग 1 से 0 हो गया, दोनों पॉजिटिव वैल्यू उसने व्यू किया था A और B वेरिएबल ने, PA और PV ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग, इसलिए क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री होगी। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री होने के बाद VA VV का ये मतलब है कि A की वैल्यू 0 से 1 और V की वैल्यू भी 0 से 1, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या करेगा, A की वैल्यू को 0 से 1 कर देगा और स्टेटमेंट नंबर 5 B की वैल्यू को 0 से 1 एंट्री करेगा। P0 तो 3 स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर चुका है। आप P1 की बात करते हैं, मान लेते हैं P1 का भी सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, तो स्टेटमेंट नंबर 6 चलाए, 7 चलाए, 8 चलाया, 9 चलाया, 10 चलाया, देखते हैं क्या सही चलेगा या कि नहीं है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 6 इज टेलिंग कि PB चलाना है, PB का मतलब B की वैल्यू 1 है, इसको 1 से 0 करना है। फिर PA चलाना है, PA का मतलब क्या है कि A की वैल्यू को 1 से 0 करना है, क्योंकि बी और ए दोनों की वैल्यू 1 थी, पॉजिटिव थी, जिसको हमने 0 किया पी ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग, इसलिए P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद VA और VB ऑपरेशन चलाएगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 0 से 1 हो जाएगी, ओके। नाउ इसके बाद, अभी ये तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था, अब हम वो वाला चीजें देखते हैं जिसमें कि हम प्रीमिशन अलाउ करते हैं। अगर हम प्रीमिशन अलाउ करें तो देखते हैं कि क्या ऐसा ही कंडीशन रहेगी। लेट्स से स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 P1 प्रोसेस P0 प्रोसेस में, स्टेटमेंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 P1 प्रोसेस का। तो व्हाट इज हैपनिंग कि सबसे पहले 1 स्टेटमेंट चला रहे हैं P0 प्रोसेस का, ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को वन से जीरो करते, ठीक है। अब क्या करते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 चलाते हैं, सॉरी
स्टेटमेंट टू नहीं चला रहे हैं, हम पी वन ऑपरेशन चला रहे हैं, सॉरी पी वन प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर सिक्स चला रहे हैं। प्रीमिशन कर दिया हमने यहाँ पे पी जीरो प्रोसेस का पहले स्टेटमेंट के बाद, फिर पी वन प्रोसेस का पहला स्टेटमेंट हम चला रहे हैं, मतलब कि सिक्स नंबर स्टेटमेंट। इसने देखा बी की वैल्यू को, बी की वैल्यू वन, तो इसने वन से जीरो कर दिया, ठीक है, बी की वैल्यू हमारी वन से जीरो हो गई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर सिक्स ऑफ पी वन प्रोसेस। अब फिर इसका प्रीमिशन हम कर देते, ठीक है, लेट्स प्रीम द पी वन प्रोसेस और पी जीरो प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर टू चलाते हैं। जब पी जीरो प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर टू चलाएंगे तो ये ऑब्जर्व करेगा कि जो बी की वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है पीबी के अकॉर्डिंग, मतलब कि पी वन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो ये जीरो से माइनस वन कर देगा इसको, और चूंकि ये जीरो से माइनस वन कर देगा इसलिए पीबी प्रोसेस को क्यू में जाना पड़ेगा, स्लीप मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी पीबी के अकॉर्डिंग पी जीरो प्रोसेस को स्लीप मोड में जाना पड़ेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा है कि पी जीरो प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर टू चलाया क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो से माइनस वन हो गई सेमाफोर की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो पी जीरो गोज टू स्लीप या फिर ये ब्लॉक हो जाता है, ये प्रोसेस क्यू में चला जाता है, ठीक है। अब ये चला गया तो एक काम करते हैं कि पी वन प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर सेवन चलाते हैं, ठीक है, पी वन प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर सेवन चलाते हैं। पी वन प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर सेवन देखता है कि ए की जो वैल्यू है वो जीरो है अकॉर्डिंग टू पी जीरो प्रोसेस, उसने ऑलरेडी वन से जीरो कर दिया था, तो ये क्या करेगा जीरो से माइनस वन कर देगा इस वैल्यू को, क्योंकि इसने जीरो से माइनस वन किया इसलिए जो प्रोसेस पी ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है वो प्रोसेस भी स्लीप पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पी वन भी स्लीप पे चला गया, पी जीरो भी स्लीप पे चला गया, पी वन भी स्लीप पे चला गया, दोनों स्लीप पे चले गए और दो ही प्रोसेस हैं आपके पास, दो से ज्यादा प्रोसेस नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो पी जीरो को जगाने कोई आएगा ना ही पी वन को कोई जगाने, बोथ द प्रोसेसेस आर इन द डेड लॉक, बोथ द प्रोसेसेस आर इन डेड लॉक, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपने सबसे पहले तो चेक किया कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है, यस म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी, ये श्योर है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है, आपने पहले देखा था, पहले पांच स्टेटमेंट चला दें पी जीरो के, देन पांच स्टेटमेंट पी वन के चलाएं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है गारंटी, एक बार में एक ही प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन, एक से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे डेडलॉक जैसी कंडीशन हो जा रही है, क्यों हो जा रही है डेडलॉक जैसी कंडीशन, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ स्लीप में चले जा रहे हैं, अगर हमने प्रीमिशन अलाउ किए हैं तो प्रीमिशन के बाद दोनों प्रोसेस एक साथ स्लीप मोड में चले जा रहे हैं, है ना। सोल्यूशन तो ये कहता है ना सेमाफोर वाला सोल्यूशन, कि अगर एक प्रोसेस स्लीप पे गया तो दूसरा प्रोसेस उसको जगा देगा, तो यहाँ तो दोनों चले गए स्लीप पे, तो दोनों एक दूसरे को नहीं जगा पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ द डेडलॉक हियर, दीस टू स्लीपिंग प्रोसेसेस कैन नेवर अवेक वेक अप, सो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ द डेडलॉक हियर।